ये रहा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ नया नहीं है, पुरानी चीज़ों को रिप्लेस करने जा रहे हैं, मतलब तरीके भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पुराने ही होंगे। तो अगर पहले आपको फोर्स इक्वेशन बनानी आती थी तो इस चैप्टर में पहले क्या फोर्स था, मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कर लोगे तो मास को रिप्लेस करेगा आई, ए के रिप्लेसमेंट हम ऑलरेडी जान चुके अल्फा, फोर्स का इक्वलेंट आ जाएगा टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू वाई अल्फा। और फोर्स इक्वेशन वहाँ बनाया करते थे, यहाँ टॉर्क इक्वेशन बनाएंगे। वहाँ फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हुआ करती थी, ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ टॉर्क सिर्फ क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वहाँ के मुकाबले में टॉर्क की प्रॉब्लम आसान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है हमारे पास, सिर्फ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पॉजिटिव टॉर्क लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लोगे तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, कोई एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बुक्स में तो तुम पढ़ते हो कि हाँ क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, पर ऐसा कुछ नहीं है। तुमने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, दूसरी को नेगेटिव, तो बहुत कुछ आ जाओ बेटा। तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में है जी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, स्केयर ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्केयर ऑफ बेटा, एंड स्केयर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम जानेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास, अकेला पॉइंट मास होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करना है ये जानेंगे। फिर उसके पास मोर देन वन पॉइंट मास अगर होंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करना है ये जानेंगे। और उसके बाद कॉन्टिन्यूस बॉडी कोई हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करना है ये करने की कोशिश करेंगे। बस तीन ही है देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास, मल्टीपल पॉइंट मासेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडीज। बारी बारी से चलते हैं जी। पहले करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास, वही फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा मोर देन वन पॉइंट मास के लिए, फिर कॉन्टिन्यूस बॉडी की बात आएगी। चले आगे, लो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास, मान लो ये कोई पॉइंट मास आपके पास है ये एम, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब अगर आपको ऐसा डिस्टेंस ये आर डैश दिया होगा तो आर डैश कॉस थीटा इक्वल टू आर, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है तो उसके मजे से यूज करो, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और आई आपके पास होगा एम आर स्क्वायर के बराबर। तो अगर अकेला कोई पॉइंट मास हमारे पास है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। और अगर भाई मोर देन वन पॉइंट मास हमारे पास हैं तो इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड कर देंगे, एम वन का डिस्टेंस आर वन बेटा, एम टू का डिस्टेंस आर टू, एम थ्री का डिस्टेंस आर थ्री, एम फोर का डिस्टेंस आर फोर, एंड सो ऑन। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास था इसी फॉर्मूले को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे और हमारे पास बना क्या, एम वन आर वन स्क्वेयर प्लस एम टू आर टू स्क्वेयर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वेयर एंड सो ऑन एम एन आर एन स्क्वेयर। सिंबॉलिकली इसको ऐसा भी लिखते हैं, आई इज इक्वल टू समेशन, इस सिंबल का नाम क्या बेटा, सिग्मा। और इसको रीड कैसे करते हैं, समेशन, समेशन एम आर स्क्वेयर। समेशन एम आर स्क्वायर क्या मतलब, जितने भी ये एम है और उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का सबका सम,
मतलब इसका मतलब ये है, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर स्क्वायर, जितने भी मासेस हैं, समेशन एम आर स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, मतलब इसका भी वही है, आई को पहले वन डालो एम आर आर वन स्क्वायर, प्लस आई को टू डालो एम टू आर टू स्क्वायर, प्लस सो ऑन एन तक डालते जाओ। लिखने के अलग अलग तरीके। तो अकेला पॉइंट मास होगा तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, एक से ज्यादा पॉइंट मास होंगे तो इसी फॉर्मूले को हमने एक्सटेंड कर दिया, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। नीचे मार्केट से एंटरटेनमेंट भी शुरू हो गई है। तो तीन ही तो थे, एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास और मल्टीपल पॉइंट मासेज और कॉन्टिन्यूस बॉडीज। कॉन्टिन्यूस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे जाने से पहले रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। चलो आगे बच्चों। रेडियस ऑफ जायरेशन समझ लें, हमारे पास बहुत सारे मासेस हैं, एक से ज्यादा, 10, 20, 50 कितने भी हो सकते हैं। एम वन एम टू एम थ्री पहले लिए थे हमने, हाँ वैसा भी ले सकते हैं, लेकिन अब हमने क्या किया है, मान लो ऐसा एज्यूम कर सकते हैं हम लोग के सारे के सारे हमने सेम मासेस थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिए, ये भी एम है ये भी एम है, एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाने के लिए, नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो भी वैलिड है। ये भी एम है ये भी एम है ये भी एम है ये भी एम है, लेकिन सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग है, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव आर सिक्स एंड सो ऑन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा बेटा, एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर सो ऑन एम आर एन स्क्वायर, बोलो एम तो कॉमन आ गया, एम कॉमन आ गया तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस सो ऑन आर एन स्क्वायर। सपोज वी हैव एन पॉइंट मासेस ईच हैविंग मास स्मॉल एम, पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया एन एम, तो कैपिटल एम हमने बोला पूरे सिस्टम का मास एन इंटू एम, क्योंकि एक पॉइंट मास का मास है स्मॉल एम, एन पॉइंट मास है एन एम हो गया, उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लिया टोटल मास ऑफ द सिस्टम। और मैंने यहां छोटा सा ट्रिक एक प्ले किया, एन से मल्टीप्लाई किया और एन से ही डिवाइड कर दिया, उससे क्या हुआ, ये एम एन क्या बन जाएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और अगला ये क्या बन जाएगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन एन, ये जो यहां बना ठीक, ये रूट मीन स्क्वायर एवरेज लग रही है किसी डिस्टेंस की, क्योंकि अनरूट लेंगे तब रूट मीन स्क्वायर एवरेज बन जाएगी। मैं आपको याद कर रहा हूं कि एवरेज निकालने के बहुत सारे तरीके हमारे पास है, अलजेब्रिक मीन सिंपल एवरेज, आपके पास तीन क्वांटिटीज हैं ए वन ए टू ए थ्री, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डिवाइड बाय थ्री, सिंपल एवरेज ऐसे निकालते हैं। फिर हमारे पास मैथ्स वाले लोग जानते हैं हमारे पास हार्मोनिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है ना बेटा, उसी तरीके से एक रूट मीन स्क्वायर एवरेज भी होती है जिसमें ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री, और फिर उसका अनरूट स्क्वायर की एवरेज लेके फिर उसका अनरूट निकालते हैं, इसको रूट मीन स्क्वायर एवरेज। आंसर सबके अलग है, सारी एवरेज है, एवरेज निकालने के अलग अलग तरीके है, सारी एवरेज है, आंसर सबके अलग आएंगे। तो जब ये आपको दिख रहा है आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन एन, इसको अगर अनरूट ले लिया जाएगा तो इसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर एवरेज ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन। चलो एक बार मैं रिकॉल कर लूं क्या क्या किया, एन पॉइंट मासेस मेरे पास से आर वन आर टू आर थ्री डिस्टेंस पे मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, एम आर वन स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर प्लस एम आर एन स्क्वायर है ना बेटा, एम कॉमन निकाल लिया ये आ गया, एन से मल्टीप्लाई किया एन से डिवाइड किया तो ये हमारे पास तैयार होगा।
पर हम तो रेडियस ऑफ जायरेशन कर रहे हैं, इस पंखे में क्यों फंसे हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन अब क्या है, एक्सिस वही लेना है जो हमारे पास है। टोटल मास ऑफ द सिस्टम कहां रखें, कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखें, ये रहा ये रहा हमारे पास एक्सिस। पूरा टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या था, कैपिटल एम विच इज इक्वल टू एन इनटू एम बेटा, है ना। पूरा मास कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखें, सो दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम या ऑफ दैट मास इट कम्स आउट टू बी सेम एज इट इज विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। दोनों को इक्वेट कर देना, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये आया हमारा, जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आए वही आना चाहिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं अज्यूम करूं कि भाई एम वन एम टू यार छोटे छोटे मासेस अलग अलग जगह नहीं रखने अपने को, सारा कंबाइंड मास एक कितने के पे रखें, सो दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इट कम्स आउट टू बी सेम एज इट इज विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। नाउ दैट केस नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, डेफिनेशन में भी ये आएगा, तो डेफिनेशन ये रही भाई, रेडियस ऑफ जायरेशन इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कौन सा, वेयर इफ एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज प्लेस्ड, सारा का सारा मास अगर वहां पे रखें हम, देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कम्स आउट टू बी सेम एज इट इज विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सो रेडियस ऑफ जायरेशन इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेयर इफ एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज प्लेस्ड, देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी सेम एज इट इज विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जो कुछ मैंने आप लोगों को यहां डिराइव करवाया था वो अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया तो डेफिनेशन बन गई। ठीक है जी, तो क्या करें फिर, इसको और इसको इक्वेट कर दें, इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू से इक्वेट करो, एम के स्क्वायर इक्वल टू एम एम इंटू एन एम बन गया था, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन एम, एम कैंसिल हो गया बेटा, के निकल आया आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन एन, यही है रेडियस ऑफ जायरेशन। सो रेडियस ऑफ जायरेशन आपके पास क्या आ गया, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज क्या, रूट मीन स्क्वायर एवरेज ऑफ ऑल परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ ऑल द मासेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, रूट मीन स्क्वायर एवरेज ऑफ ऑल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑल द मासेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पर ये तब आया बेटा जब हमने मास सारे सेम ले लिए, है ना। अगर मास सारे सेम ना लिया होते तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनता, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये सारा बनता। ठीक, अब हम क्या करते, कैपिटल एम टोटल मास से मल्टीप्लाई करते, टोटल मास से डिवाइड करते और इसको एम के स्क्वायर से इक्वेट कर देते, एम कैंसिल हो जाता, फिर हमारे पास क्या था, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस सो ऑन डिवाइड बाय कैपिटल एम अंडर रूट, तो के ये आता। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि अभी हमने एम कॉमन निकाल लिया था, सारे मासेस सेम ले लिए थे, इसलिए लिए थे एक चलो रिलेशन एक मतलब बढ़िया सा रिलेशन बन जाए, पर जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसे रिलेशन दिखे, अलग अलग मासेस होंगे तब भी आप रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तीन पॉइंट मासेस दे दिए उसने, एम वन एम टू एम थ्री अलग हैं, उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें पकड़ा दिए, तो आप बोलोगे जी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर। बोले भाई एम से मल्टीप्लाई किया और एम से डिवाइड कर दिया, टोटल मास, टोटल मास कैपिटल एम क्या बेटा, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, समझ रहे बेटा, समझदार तो बहुत हो तुम लोग, इक्वल एम के स्क्वायर से किया, एम और एम कैंसिल हो गया और के आपके पास आ गया एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर डिवाइड बाई एम अंडर रूट, तो फिर ये आता। अगर मास से सेम ना लिए होते तो
तो इस पे भी ध्यान रखें कि ऐसा जैसे क्वेश्चन भी आपको कोई पकड़ा सकता है। सो रेडियस ऑफ जायरेशन इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर इफ एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज प्लेस्ड देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम एज इट इज विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। एक महाना तो मैंने अभी ज्वाइन किया, देखो चलो आगे, चले भाई आगे। ये वो आ गया, ऑल्सो डिफाइंड एज रूट मीन स्क्वायर एवरेज ऑफ ऑल परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का गिवन होगा और मुझसे कोई पूछे यार इसका बताओ रेडियस ऑफ जायरेशन क्या, तो मैं एम के स्क्वायर से इक्वेट कर दूंगा उसको और वहां से के फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है जी बच्चों, चलो आगे बेटा, नहीं जाना आगे पीछे जाए। सारा चिपका देना बेटा भी है, और ये दोबारा बनाना डायग्राम में, वो दोबारा बना दिया उसने। मेरे को तो अगले पेज पे इसलिए दोबारा बनाना पड़ता है, मुँह भी पीछता है तुम्हें दिखे, तो तुमने तो पहले बनाया हुआ है यहाँ पे, ये सेम है। ना बोले मैं तो 10 बार बनाऊंगा, आत्मा को शांति नहीं मिलती, नहीं तो नहीं। चलो आगे, तो अब दो तो हमने कर लिए जी, कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मल्टीपल पॉइंट मासेस कर लिया, अब क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडीज। और कॉन्टिन्यूस बॉडी का करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, क्या इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन के सिवा कुछ और कर ही नहीं सकते अभी तक, जितने की नॉलेज हमारे पास है उसके हिसाब से, उसके हिसाब से हमें पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना आता है बस। तो जब कॉन्टिन्यूस बॉडी की बात चलेगी तो कॉन्टिन्यूस बॉडी पे एक छोटा सा पॉइंट मास मान लेंगे और उसका निकाल लेंगे छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है।
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडीज, कॉन्टिन्यूस बॉडीज बेटा। पहले सबसे पहले आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट नेक्सस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। किसी रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने लगे हैं हम लोग अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड नंबर वन एंड परपेंडिकुलर रॉड। ये रही रॉड, फिर बेटा कहाँ मिले तेरे को प्लस टू वाले? फिर ये तीन चार बार ढूंढ गया तुम्हारे को, यहाँ पे बेंच के नीचे देख रहा था, बोले प्लस टू वाले कहाँ मिले, इधर मिले बेटा। तो ये हमारे पास रॉड आ गई जी, इस एक्सिस के अबाउट हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। एक्चुअली हमें उस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होता है जिसके अबाउट रॉड रोटेट करे, जिसके अबाउट सिलेंडर रोटेट करे, जिसके पास स्फीयर, कोई भी कैसी बॉडी है, कोई पॉइंट मास है वो रोटेट करे। तो अगर ये मेरे पास रॉड है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ये ऐसे, तो भाई इसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा ना। पर अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा, अब आपका आपकी प्रॉब्लम डिसाइड करेगी कि आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है। ये आगे रॉड भाई, और इसकी लेंथ आ गई एल। ओरिजिन मैंने कहां ले लिया, यहां ले लिया जी ओरिजिन। ओरिजिन से पीछे कितनी रॉड रॉड बच गई, एल बाय टू बेटा, माइनस एल बाय टू ये वाला पॉइंट आ गया, प्लस एल बाय टू ये वाला पॉइंट आ गया। मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास जितने की नॉलेज है वो बस इतनी है कि भाई हमें पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना आता है बस। ठीक है बेटा, क्यों रो रहा बेटा? नहीं रोते। तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना आता बेटा ना, तो ऐसा करूं कि यहां छोटा सा पॉइंट मास कंसीडर कर लूं बेटा, है जी। लो भाई यहां छोटा सा पॉइंट मास कंसीडर करने लगे हम लोग, ये रहा वो पॉइंट मास, इधर से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे बेटा, ये डिस्टेंस कितना एक्स, और ये डिस्टेंस कितना डीएक्स, ये छोटा सा डिस्टेंस dx बेटा। अगर इसको y बोलूंगा तो dy, अगर इसको z बोलूंगा तो dz, r बोलूंगा तो dr, छोटा सा x बोलूंगा तो dx। और ये छोटा सा मास हमारे पास क्या आ गया बेटा, dm, कितना आ गया जी dm। अब मुझे dm का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कितना लिखूंगा dm इंटू x, क्या x डिस्टेंस है, पर डीएम तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। मैं बोल रहा हूं जी के सपोज कैपिटल एम इज टोटल मास ऑफ द रॉड, कैपिटल एम इज टोटल मास ऑफ द रॉड, एल लेंथ का मास कितना आ गया बेटा एम, एक यूनिट लेंथ का एम बाय एल, तो भाई डीएक्स लेंथ का कितना आएगा, यूनिटरी मेथड लगाया जी तुम्हारा नाइन टेंथ वाला, एम बाय एल इंटू डीएक्स, ये आ गया एम बाई एल इंटू डी एक्स, इसी को डीएम बोल रहे हैं बेटा हम लोग, यही है ना डीएम। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फाइंड आउट करना आता है हमें पॉइंट मास का, डीएम इंटू एक्स क्या, राइट, तो कर लो। ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल मास ऑफ डीएम, है ना बेटा, क्या डी आई बोलूं इसको, डी आई क्या बेटा, डी एम इंटू, बोलो भाई एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को इसमें, डी एम की वैल्यू डाल दूं एम बाय एल इंटू डी एक्स, लो भाई एम बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो क्या करूं, इंटीग्रेट करना जी, एम कॉन्सेंट है एल कॉन्सेंट है,
एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा, एक्स की लिमिट आएगी रॉ, क्योंकि ये तो छोटा सा मास था, पूरी रॉड इंक्लूड करनी है मुझे तो। तो रॉड कहाँ से शुरू हुई? माइनस एल बाय टू से, खत्म कहाँ हुई? प्लस एल बाय टू पे। लिमिट आएगी माइनस एल बाय टू टू प्लस एल बाय टू। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन बेटा, एक्स क्यूब बाय थ्री, थ्री बाहर निकालूं यहां पे, माइनस एल बाय टू टू प्लस एल बाय टू। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपको करना तो यही है फिलहाल, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि माइनस ए टू प्लस ए अगर लिमिट इंटीग्रेशन में आपके पास है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा क्या? जीरो टू ए और दो से मल्टीप्लाई कर दो। इवन फंक्शन के लिए होता है, मेडिकल वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इवन फंक्शन ही है इस टाइम पर। आप ऐसा कुछ हो माइनस ए टू प्लस ए अगर लिमिट कहीं आती है इंटीग्रेशन की, दो से मल्टीप्लाई करो, जीरो टू ए भी वही आंसर आएगा। तो आप दोनों से करके देखो ताकि आपकी एक बार तसल्ली हो जाएगी, फिर खुल के अप्लाई कर सको। माइनस एल बाय टू टू प्लस एल बाय टू के लिए सॉल्व करो, फिर दो से मल्टीप्लाई करने के बाद भी सॉल्व करो, जीरो टू एल बाय टू के लिए भी करो, देखो सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। आगा जी m डिवाइड बाय थ्री एल, तो आप अपने आप करते रहें, प्लस एल बाय टू का होल क्यूब माइनस माइनस एल बाय टू का होल क्यूब, राइट? माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस वन का होल क्यूब माइनस आएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल क्यूब बाय एट और टू से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना बेटा? और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो करके देखिए ये आ रहा है 1/12 ml के। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज 1/12 ml के। ये सॉल्व करके आ रहा बेटा, देखो एल क्यूब बाय एट आ गया, दो से मल्टीप्लाई किया आ रहा है जी 4 3 12। डेरिवेशन ड्रॉपर्स को तुम्हारे को जरूरी नहीं होती है, लेकिन करवाया इसलिए कि कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन भी अगर पकड़ा देता है कॉन्टिन्यूस बॉडी का तो इंटीग्रेशन ऐसे ही करना है, इंटीग्रेट करना है और उसको सॉल्व करना है। हाँ बेटा जी, कोई आपसे बोलता है रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द रॉड फाइंड आउट करो इस एक्सिस के बाद, तो क्या करना है? 1/12 एम एल स्क्वायर करो एम के स्क्वायर, एम और एम कैंसिल हो गया, के आपके पास एल बाय रूट ट्वेल्व बाय एल डिवाइड बाय टू रूट थ्री आ गया बेटा। क्या गया जी? एल डिवाइड बाय टू रूट थ्री। तो कॉन्टिन्यूस बॉडी वाले केस में अब हमारे पास है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग बेटा। हमारे पास क्या है? पॉइंट मास का फॉर्मूला है बस। तो सीधी सी बात है, रिंग का करना तो इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। मैंने रिंग ड्रॉ कर दिया बेटा, ये रहा रिंग, और मैं मान रहा हूं कि ये रहा एक्सिस ऑफ द रिंग, और रिंग को इस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करना चाह रहे हैं, पर मेरे पास फॉर्मूला तो पॉइंट मास का ही है। तो छोटे से पॉइंट मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं, उसको इंटीग्रेट कर लूं, यही तरीका है मेरे पास बस। तो बेटा यहां मान लो छोटा सा पॉइंट मास डीएम, ये कितना डिस्टेंस है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? डीएम इनटू आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे मास, लेट कैपिटल एम इज मास ऑफ द रिंग, एंड यहां लिखना है कंसिडर अ स्मॉल मास, यहां लिखना बेटा कंसिडर अ स्मॉल मास डीएम, consider a small mass dm on the ring so that small movement of inertia of the small mass kya aa jayega
डीएम इंटू आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को, डीएम इंटू आर स्क्वायर ना, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, डीआई का इंटीग्रेशन, और डीआई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर तो कॉन्स्टेंट है भाई, देखो आर कॉन्स्टेंट है, तो डीएम का इंटीग्रेशन बचा बस जीरो टू एम, अरे डीएम का इंटीग्रेशन तो एम आ जाएगा, एम आर स्क्वायर खत्म। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, इस एक्सिस के अबाउट आया, ये भी ध्यान देना है, रॉड का जो हमने पहले किया वो भी इसी एक्सिस के अबाउट आता है, परपेंडिकुलर एक्सिस, ऐसा परपेंडिकुलर टू द रॉड, आप कोई आपसे बोले यार रेडियस ऑफ जायरेशन ही बता दो भाई रिंग का, एम के स्क्वायर इक्वल एम आर स्क्वायर बेटा, के इक्वल टू आर, मतलब रिंग को एब्सेंट मान लेंगे, सारे रिंग का जो मास है वो हम मानेंगे जी ये यहाँ रख दिया कितने आर डिस्टेंस पे, क्या बनेगा एम आर स्क्वायर, वही बन जाएगा, तो के इक्वल टू आर के बराबर आ गया। अच्छा बेटा मुझे बताओ कि रिंग है एक, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, इस तरीके रखते जाओगे तो क्या बनेगा, हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी एम आर स्क्वायर होता है इस एक्सिस के अबाउट, जो रिंग का होगा वही हॉलो सिलेंडर का होगा, बस ये कि हॉलो सिलेंडर का मास बड़ा होगा, कई रिंग है तो मास हॉलो सिलेंडर का आएगा, वहाँ रिंग का मास था, मास तो अलग होगा लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा, तो रिंग के ऊपर रिंग इस तरीके से रखते जाएंगे तो हॉलो सिलेंडर बनने वाला है, और हॉलो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी एम आर स्क्वायर ही आने वाला है। इस पर डिस्क, लो भाई अगला हमारे पास आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, ये रही पूरी बेटा डिस्क, डिस्क सॉलिड रीजन है मतलब बीच में। अब देखिए अभी तक तो हमें सिर्फ पॉइंट मास का फॉर्मूला पता था, लेकिन अब रिंग का पता चल गया ना, तो अब हम पता क्या करेंगे, हम एक रिंग ही एज्यूम कर लेते हैं, यहां पे रिंग का रेडियस है एक्स और थिकनेस डीएक्स, ये छोटा सा रिंग हमने एज्यूम कर लिया, इसका छोटा सा मास फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, तो डिस्क के ऊपर एक छोटा सा रिंग हमने मान लिया, और हम यहां बोलेंगे लेट कैपिटल एम इज मास ऑफ द डिस्क, कैपिटल एम इज मास ऑफ द डिस्क, डिस्क के पास बेटा एरिया होता है, जैसे रॉड के पास सिर्फ लेंथ होती है ना, तो डिस्क का जो मास है पूरे एरिया में फैला होता है, तो पाई आर स्क्वायर का मास है एम, आर है ना बेटा इसका रेडियस, पाई आर स्क्वायर एरिया का मास क्या आएगा एम, एक यूनिट एरिया का एम बाय पाई आर स्क्वायर, मुझे कोई लूज पेज होगा तुम्हारे पास, किसी के पास है, मेरे पास कोई नहीं, ये देखिए ये रिंग है बेटा ऐसा, इसका रेडियस में एक्स मान, ठीक है टू पाई एक्स, अगर मैं इसको काट देता हूँ ऐसे ऐसे तो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर शीट ऐसी, ये टू पाई एक्स, और साथ में बाहर की तरफ क्या था डी एक्स थिकनेस, ये टू पाई एक्स आ गया, ये थिकनेस डी एक्स आ गई, ये तो रेक्टेंगुलर लेमिना बन गया यार, पेज बन गया बस, और इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ टू पाई एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका मास अगर निकालना है तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है, पाई आर स्क्वायर का एरिया का मास कैपिटल एम, एक यूनिट एरिया का मास एम डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, और टू पाई एक्स डी एक्स का मास एम डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू टू पाई एक्स डी एक्स, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं इसमें बच्चा, ये आ गया एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटू टू पाई एक्स डी एक्स डी एम, स्मॉल मास और स्मॉल रिंग विद रेडियस एक्स एंड थिकनेस डी एक्स, क्यों, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है मुझे एम आर स्क्वायर, इसका क्या बोलूंगा डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स है बेटा रेडियस इसका, तो इस छोटे से रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलूंगा डीएम इंटू एक्स स्क्वायर बोलूंगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, और एक्स की लिमिट क्या आएगी, अरे भाई रिंग के ऊपर रिंग चढ़ाते जाओ ना ऐसे, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद, और क्या बन जाएगी डिस्क बन जाएगी, एक्स इक्वल टू जीरो से लेके आर तक आपको जाना है मतलब, है ना, तो एक्स की लिमिट डालेंगे हम जीरो टू आर के, भाई जीरो जीरो टू आर तक रिंग रिंग चढ़ाते जाओ और आपका डिस्क तैयार हो जाएगी, स्मॉल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल रिंग डी आई क्या डी एम इन टू एक्स स्क्वायर एम डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू टू पाई एक्स डी एक्स, तो डी एम था बेटा,
इंटू एक्स स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बना, क्या बना, 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डीएक्स, लिमिट क्या 0 टू आर, एक्स क्यूब डीएक्स का इंटीग्रेशन बोलो एक्स रेस्ट पावर 4 अपॉन 4, जब आप लिमिट डालोगे 0 टू आर, आर रेस्ट पावर 4 अपॉन आर माइनस 0 आएगी ना, डाल दो बेटा, ये बनेगा फाइनली हाफ एम आर स्क्वायर, अपने आप कैलकुलेट करो देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ जी, हाँ जी, क्या बेटा कहाँ लिखा बेटा, ये क्या करना है इसको, तो सारे पुट्ठे काम करवाएगा, खुश है अब, हाँ बेटा, हाँ देखिए ऐसा ही है, ये कितना होगा 2πx, थिकनेस बार कितनी है dx, जब इसको कट करेंगे ना तो ऐसे आएगा ना, सीधा आएगा ना, ये 2πx और थिकनेस किसनी dx, तो रेक्टेंगुलर शीट बनने वाली है ऐसी जैसी शीट, ऐसी ये लेंथ आ गई 2πx, थिकनेस आ गई dx, एरिया कितना आ गया 2πx dx, डिस्क के पास एरिया तो होता है, थिकनेस जीरो मान के चलते ना हम लोग, थिकनेस नहीं मान के चलें तभी एरिया ना, तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर एरिया का मास था कैपिटल एम, एक यूनिट एरिया का कैपिटल एम बाय पाई आर स्क्वायर, 2πx dx का कितना था वो हमने निकाल लिया था dm, फिर लगाया रिंग का फॉर्मूला dm इंटू एक्स स्क्वायर, छोटा सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे से रिंग का, और फिर डाल दिया इंटीग्रेशन में 0 टू r, हाफ एम आर स्क्वायर आया कि नहीं आया, चेक करो बेटा, नहीं आया होगा तो बताना है, कहीं से बताना चले तो बताना है। आया बच्चों, किसी का नहीं आया तो बोलो आ गया, डिस्क के क्वाइन के ऊपर क्वाइन इस तरीके से ना, डिस्क के ऊपर डिस्क या क्वाइन के ऊपर क्वाइन रखते जाओगे तो क्या बनेगा, सॉलिड सिलेंडर बनेगा, तो बेटा सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस एक्सिस के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर ही आता है, जो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट, आप जानते हो कि डिस्क के ऊपर डिस्क इस तरीके से अगर हम रखते चलेंगे तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी क्या, हाफ एम आर स्क्वायर, चलें बच्चों आगे, और जब स्कूल लेवल पे आपको जब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए बाय चांस डेरिवेशन आती है ना, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होता है बस, कि सपोज वी हैव अ डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, थोड़ा उसको बताना होता है कि हमने क्या क्या कंसिडर किया है ना, नाउ द डिस्क कैन बी एज्यूम टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स ऑफ वेरिंग रेडियस, और एक्स इक्वल जीरो से अगर हम रिंग 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 ड्रॉ करते चलें बाहर तक, क्या बन जाएगी, डिस्क बन जाएगी, let us consider one such ring of radius x and thickness dx, area of this ring will be 2 pi x dx and mass of this ring will be m by pi r square into 2 pi x dx, now small moment of inertia of this small ring will be di is equal to dm into x square, total moment of inertia of the disk can be found by integrating this expression, integrate kar diya half m r square, tumhare paas expression aa gaya, kya hum aage chale, बस डेरिवेशन यही थी हमारे पास, इनकी भी डेरिवेशन है लेकिन आपके स्कोप से बाहर है,
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर बेटा 2/3 mr2, किसके अबाउट, अबाउट डायमीटर 2/3 mr2, और सॉलिड स्फीयर का अबाउट डायमीटर क्या आता है 2/5 mr2, और डायमीटर को एक थोड़ा होगा, कई हो सकते हैं, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर इज 2/3 mr2, और सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr2। ये आपने याद रखने, डायरेक्ट डिराइव नहीं कर रहे इनको हम, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr2 और हॉलो स्फीयर का 2/3 mr2। चलो आगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन इस एक्सिस के अबाउट 3/10 r2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन इस एक्सिस के अबाउट 1/2 mr2। चलो बच्चों आगे, चले आ गया। दो थ्योरम है हमारे पास, प्रूफ इनके नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस से प्रूफ हटा दिए गए हैं, लेकिन स्टेटमेंट जरूर लिखवाऊंगा आपको, और वो है दो थ्योरम, ये काय के लिए है पहले ये बता दो। अभी तक जितने भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने किया, चाहे रिंग का किया चाहे डिस्क का किया, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इस एक्सिस के अबाउट निकाला, रॉड का किया उसका भी इस एक्सिस के अबाउट निकाला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकालना होता है जिस एक्सिस के अबाउट को रोटेट कर रहा है, रॉड यहाँ से ऐसे रोटेट कर रही है तो इसी एक्सिस के अबाउट चाहिए ना, पर ऐसा भी तो हो सकता है रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए होगा। अब किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो ये थ्योरम काम आएंगे, देख लेते हैं, कर लेते हैं बेटा, क्या बोलती है थ्योरम देखें। तो ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास कोई बॉडी है जी, और ये कौन सा एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है, इससे अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान लो आईसी है, क्या बोला आईसी। इसके पैरेलल कोई और अगर एक्सिस है, वो यहां हो सकता है, वो यहां हो सकता है, वो बाहर भी हो सकता है, उसके अबाउट बॉडी को हम रोटेट करवाना चाहते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के अबाउट फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो ये बोलता है कि अगर आईसी आपको पता है
तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी अदर एक्सिस विच इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, वेयर एच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, वेयर एच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। बेटा मतलब इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कितना होगा, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, वेयर आई सी इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। आईसी कौन सा एक्सिस है बेटा, जो सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, और इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस है कहीं भी है उनके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच है, तो आई हमेशा आईसी प्लस एमएस के एमएस करके बराबर होगा। ये बोलती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई हमेशा आईसी प्लस एमएस करके बराबर होगा, ये बोलती है जी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, लेकिन डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट यहां लिखी ना बेटा, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एस स्क्वायर, इसको अंग्रेजी में लिखना है, कौन लिखवाएगा जी? डेफिनेशन लिखनी है तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। बोल भाई भूमले तेरी अंग्रेजी सुना बड़ी बढ़िया, बोले एबीसीडी में प्रॉब्लम खड़ा तो बोल तो सही। आई सी है, मैं तेरे को हिंदी में समझा रहा हूं, IC is movement of inertia of the body about an axis passing through center of mass of the body. I is any other axis about which you want to calculate the moment of inertia, but this axis is parallel to the axis passing through center of mass. तो ये जो यहाँ लिखा है इसको अंग्रेजी में लिखवा बेटा, खड़ा तीगरी ऐसे बोले बोले, मैंने नहीं बोला कुछ नहीं, जल्दी करो जल्दी करो, क्या वो देख वो चौहानों से साथ बैठा हुआ, मैं करूंगा फटाफट से, इसने पहाड़ी में शुरू जाना पर बोल चौहान कर दे इसके बेसिक कमजोर है बेचारों का, एबीसीडी में प्रॉब्लम बेटा। चल राज तू बोल बेटा, क्या बोलते हैं जल्दी बोला मैं था तो 26 लेटर नहीं याद इसको तो बोला राज क्या देखिए बोलो यार कोई तो बोलो मूवमेंट ऑफ द बॉडी तू तो देवानंद बनने की कोशिश कर रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कोई और बोलना चाहे जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हिट नहीं, दोबारा दोबारा बोल, हाँ बेटा तेरे को भी एबीसीडी में प्रॉब्लम है मुंह क्या पैरल पैरल टू द मुंह बोले पैरल टू द मुंह इन्हें बेटा तुम्हारी बहुत ज्यादा अंग्रेजी खत्म है, बोलो प्रांजल तू बोल बेटा, देखे करेगी अब वो एक्सिस का नहीं होता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस का थोड़ा होता है लिखो बेटा लिखो, पहले इसके बारे में बताना है
आई के बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी लिखें शाबाश, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू अनदर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास द बॉडी, अबाउट एन एक्सिस, क्या लिखा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू अनदर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, यह आ गया आई के बारे में. इज इक्वल टू आ गया, वो वैसे इज इक्वल टू लिख दिया हमने, इज इक्वल टू सम ऑफ, नहीं सम छोड़ दो, इज इक्वल टू जैसा बीच में प्लस है वैसे प्लस लगा देंगे, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, आईसी के बारे में बोल रहा हूं बेटा, पासिंग थ्रू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, आईसी के बारे में बता रहा हूं, इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस, आगे आईसी ना, आगे प्लस है प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस. हो सकता है डेफिनेशन आपसे पूछे, क्योंकि डेफिनेशन स्कूल में आपके कोर्स में है इसलिए पूछी जा सकती है. मेरे ख्याल से जो प्रूफ है वो डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन डेफिनेशन तो और इनमें से एक आएगी, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस में से, तो अच्छे से देख लें हमने क्या किया. याद रहेगा बेटा आई इज़ इक्वल टू आई सी प्लस एम स्क्वायर हो गया, ये है क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम. एक और थ्योरम है, बस दो ही है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो अगली हमारे पास आ गई बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लेकिन प्लेन लैमिना के लिए एप्लीकेबल है. प्लेन लैमिना मतलब प्लेन में जो बॉडी है, थिकनेस नहीं चाहिए, थ्री डी बॉडी नहीं है. मान लो कि हमारा जो लैमिना है वो एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस है मान लो बेटा, ये वाई एक्सिस है, तीसरा आ गया जेड एक्सिस, और हमारा जो बॉडी है ना ये एक्स वाई प्लेन में ऐसे ऐसे है, समझ रहे हो, हमारी ये जो बॉडी है वो ऐसे नहीं है जैसे आपको दिख रही है, वो एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वो एक्स वाई प्लेन में है. तो ये बोलता है भाई कि एक्स एक्सिस के अबाउट जो बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई एक्स है, वाई एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई वाई है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस होगा आई जेड, कहता आई जेड हमेशा आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होता है. सो इफ यू हैव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया द बॉडी अबाउट टू मिश्री परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एक्स एंड वाई, तो ये बोलता है कि तीसरा परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेमिना कहां है एक्स वाई प्लेन में, उसके परपेंडिकुलर चला गया जेड एक्सिस, कहता आई जेड हमेशा आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा. ये आई जेड हमेशा आई एक्स प्लस आई, समझ गया ना, जो लेमिना है लेकिन एक्स वाई प्लेन में है, बस ये ध्यान रखें. तभी मैंने बोला आई जेड परपेंडिकुलर टू दैट लेमिना. अब इसको भी अंग्रेजी में लिखना है बेटा, लिखो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना. आप प्लेन लेमिना को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि थ्री डी बॉडी पे ये नहीं लगती, सिर्फ प्लेन बॉडीज पे लगेगी, टू डायमेंशन बॉडी पे लगेगी आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. डिस्क पे लगेगी, रिंग में लगेगी, है ना, इनमें लगा सकते हो, शीट पे लगा सकते हो, लेकिन स्फीयर में नहीं लगेगी, वो थ्री डी बॉडी है वहाँ नहीं लगा पाओगे आप. तो लिखेंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना, आई जेड की बात करने लगा हूं, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमिना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना अबाउट एन एक्सिस
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमिना, आई जेड की बात हो गई, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमिना, यहां तक आई जेड की बात खत्म होगी। आगे इक्वलिटी का साइन है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लेमिना, इज इक्वल टू सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लेमिना अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, आई और एक्स वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर बेटा, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पूरा बताना पड़ेगा इनके बारे में, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस लाइंग इन द प्लेन ऑफ द लेमिना, और प्लेन लेमिना भी इसी इन्हीं दो एक्सेस में है, लाइंग इन द प्लेन ऑफ द लेमिना एंड इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट फ्रॉम विच द थर्ड एक्सिस पासेस and intersecting at a point from which the perpendicular axis passes, from which the perpendicular axis passes, हमारी definition complete हुई। हमें सब कुछ बताना पड़ना था x और y के बारे में, कि mutually perpendicular ये बताना पड़ेगा, और plane lamina इन्हीं की इसी plane में वो भी बताना होगा, और कहाँ intersect कर रहे हैं, जहाँ से तीसरा perpendicular axis pass कर रहा है ये भी बताना होगा। हो गया बेटा, अब इसको apply करते हैं, ठीक है, अप्लाई करके देखें। चलो भाई इन दोनों थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, अच्छे से देख लो, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस वाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलो भाई अप्लाई करते हैं, और अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, रिंग के ऊपर, ये रहा रिंग बेटा हमारा, और हमने जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था वो इस एक्सिस के अबाउट था, याद है, हाँ इस एक्सिस के अबाउट था बेटा, और इस एक्सिस के अबाउट जो फाइंड आउट किया था कितना था, एम आर स्क्वायर था। अब कोई आपसे बोलता है कि भाई इस एक्सिस के अबाउट नहीं, फाइंड आउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अनदर एक्सिस व्हिच इज टेंजेंट टू द प्लेन ऑफ रिंग एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर था। आपसे कहा गया फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग क्या, टेंजेंट टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, क्योंकि टेंजेंट भी दो टाइप के होते हैं ना बेटा, ये भी तो टेंजेंट ही है, बट दिस टेंजेंट इज इन द प्लेन ऑफ द रिंग, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो आपसे कहा गया कि इसके अबाउट फाइंड आउट करो बेटा, आईसी तो है आपके पास एम आर स्क्वायर, और एच भी है किसके बराबर है, आर के बराबर है, हो गया आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम स्क्वायर, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर क्या हो गया, टू एम आर स्क्वायर, ये तो आसान था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने काफी आसान निकली। रिंग के ऊपर अप्लाई की हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आराम से हम लोग फाइंड आउट कर पाए कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंट टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग क्या आया, टू एम आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी अप्लाई करो भाई रिंग के ऊपर, वो कर लिया क्या, कर लो, टेस्ट की तैयारी करने का मजा तब आता है बेटा अगर आप लोग वाकई में सिंसियर हो ना, कुछ करना है। अभी देखो बच्चे चाहे बेटा है, स्कूल भी जाना है, तैयारी भी करनी है ना, चाहे क्रिश है, इस बार क्रिश सीधा 70 नंबर का गैप दे गया उसको, 650 नंबर 700 के आसपास में से स्कोर करना आसान, 720 में से आसान काम नहीं होता, पर बच्चे कर रहे हैं तैयारी। अब तीसरे नंबर पर मेरे ख्याल तू है बेटा, है ना, कितने आए नंबर, 560 के आसपास, तो कोशिश करो कि आप लोग सभी 600 के आसपास स्कोर करो, काहे को एक एक साल एक्स्ट्रा लगाना बेटा, है ना, और जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उनको तो
2 साल में भी काम नहीं होने वाला हिसाब से, लेकिन आपने तरफ से एक सिंसियर एफर्ट आपका ज़रूरी है। जो चीज़ें नहीं आती हैं ना, उसके लिए हम बैठे हैं, तो पूछो तो सही, लेकिन लेकिन पूछोगे भी नहीं, करोगे भी नहीं। और इस बार कहा था क्या मॉड्यूल से थोड़े बहुत तो क्वेश्चन करके आना, वो भी इतने बेशर्मगी के साथ, तुम बोल रहे बोले हाँ देखी नहीं है, करी नहीं है। अभी सब के सब असाइनमेंट लेके जाओगे रोटेशन मोशन की, और नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे कोई भी क्वेश्चन मैं आपको दूँ, वो आपको सभी को आता होना चाहिए। अजीब बेशर्म किस्म के इंसान हो यार तुम लोग, बिना डांट खाए कुछ करना ही नहीं है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखो भाई, ये रिंग और इस रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या आ गया, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ना बेटा। मैं दूसरा एक्सिस लेता हूं AK, पर ये तो डायमीटर है रिंग का, पर एक्स एक्सिस भी तो है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला क्या है, ये भी तो डायमीटर है, पर ये वाई एक्सिस भी तो है, पर डायमीटर के अबाउट इक्वली मास डिवाइड होता है, ये भी ID और ये भी ID, IX भी ID, डायमीटर के अबाउट दोनों बराबर होंगे क्योंकि मास की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, और ये भी ID, तो IX प्लस IY इज इक्वल टू IZ, ये IZ बन गया, अब जो IC था आपका क्या बन गया, IZ, तो IZ इक्वल टू ये प्लस ये देखिए IZ MR स्क्वायर था, ये आ गया IY और ये आ गया IX, IX प्लस IY इज इक्वल टू IZ के बराबर, IZ ये दोनों बराबर है, ये भी ID और ये भी ID दोनों का ID बोलो, MR स्क्वायर इज इक्वल टू ID प्लस ID, 2 ID, ID आ गया हाफ MR स्क्वायर, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर आ गया हाफ MR स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दी भाई, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट डायमीटर ऑफ द रिंग इज हाफ MR स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बन गया IZ जो कि गिवन था MR स्क्वायर, ये बन गया IX, ये बन गया IY, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होने की वजह से ये भी ID बोल दिया मैंने, ये भी ID बोल दिया, दोनों सेम होंगे, 2 ID इक्वल टू MR स्क्वायर, तो ID आ गया हाफ MR स्क्वायर। जब आपका ID आ गया डायमीटर के अबाउट, लिख लिया इतना, तो इस एक्सिस के अबाउट ये कौन है, टेंजेंट टू द रिंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग आ गया, एक तो ये टेंजेंट था ना, एक ही टेंजेंट आ गया, ये बन गया IC, अब जो ID आपने निकाला वो भी सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है, ये बन गया IC हाफ MR स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस H इक्वल टू R रेडियस के बराबर, H R के बराबर, तो हाफ MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर कितना हो गया, 3/2 MR स्क्वायर, कहाँ गया बेटा टेंजेंट के अबाउट, IC प्लस MS स्क्वायर हाफ MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 MR स्क्वायर, तो टेंजेंट आ गया इन द प्लेन ऑफ द रिंग। तो यहां फिर से हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई टू फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग लगाई। लिखते जाओ, तो रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट शुरू में डिराइव किया था हमने, अब हम किसी भी एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना होता है, जिस एक्सिस के अबाउट रिंग घूम रहा है, अगर रिंग इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो हमें यही एक्सिस चाहिए, अगर रिंग इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है हो सकता है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा हो, ठीक है, तो हमें टेंजेंट के अबाउट चाहिए, और अगर रिंग इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है जी ऐसे ऊपर नीचे जाता हो तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना होगा। अब सिचुएशन पे, प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि वो क्या बोलता है कि किस एक्सिस के अबाउट रिंग घूम रहा है, उसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालना होगा, उसके बाद प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी। तो जैसा मैंने बताया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल है रोटेशन मोशन में जो रोल मास का था लीनियर मोशन में,
रिंग के बाद डिस्क की बात करें। चलें भाई आगे। चलो भाई रिंग के बाद डिस्क की बात करते हैं। ये अब डिस्क है और डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है क्या था? हाफ एम आर स्क्वायर। कोई बोले इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करो तो क्या आएगा? आई सी प्लस एम आर स्क्वायर, एच आर के बराबर है। 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर। इसी तरीके से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या, ये बन गया आई जेड हाफ एम आर स्क्वायर। आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। आई वाई भी आई डी के बराबर, आई एक्स भी आई डी दोनों बराबर होंगे क्योंकि डायमीटर है, डायमीटर के अबाउट मास मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगी, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। तो 2 आई डी इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, आई डी आ गया 1/4 एम आर स्क्वायर। आसान तो है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की अप्लाई करना भी हमें आ गया, इसका मतलब ये हुआ। ओके बेटा, तो जब आपने डायमीटर के अबाउट फाइंड आउट कर लिया ना डिस्क का, क्या 1/4 एम आर स्क्वायर, तो फिर इस टेंजेंट के अबाउट भी आ गया 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, क्या बेटा 5/4 एम आर स्क्वायर। चलो बच्चों आगे। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, क्योंकि अब आप लोगों ने अप्लाई कर लिया है। लो भाई ये हमारे पास एक रॉड है बेटा, ये एक रॉड है जी। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता है क्या? 1/12 एम एल स्क्वायर आपने कर लिया, एल इसकी पूरी के पूरी लेंथ। वो अटेंडेंस शीट घूमी गई, पहुंचे गई बस यहीं पहुंचे भी। बताओ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? अबाउट वन एंड ऑफ द रॉड। बोलो भाई आई सी प्लस एच कितना आ गया? एल बाय टू आ गया, एम इंटू एल बाय टू का होल स्क्वायर। आई सी कितना है? बिल्कुल 1/12 एम एल स्क्वायर है बेटा। आगे क्या आ गया? एम एल स्क्वायर बाय 4। सॉल्व करने का तरीका ये कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम कर लो तो आसानी से होता है। इधर 12 था ना, तो आगे 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो, 12 आ गया इसमें भी। 3 एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर 4 एम एल स्क्वायर बाय 12, 1/3 एम एल स्क्वायर। हाँ जी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड द रॉड इज इक्वल टू क्या? 1/3 एम एल स्क्वायर के बराबर होगा बेटा। समझ आ गया? चलिए बहुत समझदार हो तुम लोग। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये एंगल अल्फा है, रॉड की लेंथ एल है, ये एंगल अल्फा है। तो क्वेश्चन है फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एक्सिस ए ए डैश। फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एक्सिस ए ए डैश।
रॉड की लेंथ एल है, जा बेटा नहीं तो तूने कमरे में दू फलाने यहाँ पे। एक मिनट में इसने कही कुछ कर देना, तू एक मिनट बोल रहा है क्या, तू बोल क्या है। चला जा रहा बेटा, यहां आपसे कहा गया था कि द रॉड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और यहां पर क्या है कुछ एंगल बना रही है, तो आप रॉड का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकाल लो, और वह एल कॉस अल्फा, एल साइन अल्फा, एल साइन अल्फा है, और आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो क्या, 1/3 एम इंटू बोलो एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 1/3 एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर। अब तो आना ही था, फिर एल कॉस अल्फा क्यों इग्नोर कर दिया, ये वाला कंपोनेंट हमने क्यों इग्नोर कर दिया भाई, ये वाला, ये जो कंपोनेंट आना था एल कॉस अल्फा, ये इग्नोर कर दिया तुमने, क्योंकि एक्सिस पे ही सारा मास है, उसका डिस्टेंस क्या गया, जीरो। अरे भाई डिस्टेंस जीरो है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से आएगा, तो एक्सिस के अलॉन्ग जो रॉड का कंपोनेंट है वो सारा का सारा एक्सिस पे आ गया, और उसका डिस्टेंस एक्सिस से क्या हो गया, जीरो हो लिया। अगर डिस्टेंस जीरो हो गया तो, डिस्टेंस जीरो हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो हो गया। उसको भी ले जाना था बेटा गोद में बिठा के, टाइम से बोला तो इसने करा लेना था तेरे को। और इसको भी खुशी होनी थी। क्या ये समय में आया बेटा सबकी, हटाऊं इसको। अच्छा मुझे ये बताना भाई, हमारे पास अब पता क्या है, हमारे पास अब ये रेक्टेंगुलर एक लेमिना है, और आपको ये बताना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या लिखा जाए। ये लेंथ एल है बेटा, और ये बी है, ऐसे पढ़ा हुआ है, रेक्टेंगल है, ऐसे पड़ी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। कोई बताना चाहे, मैं हिंट देता हूं कि मेरे पास आ जा बेटा, और कोई कष्ट तो नहीं हुआ, मैं फिगर दोबारा बना लेता हूं बेटा एक मिनट। यह आ गया एक्स एक्सिस, यह आ गया वाई एक्सिस, ये लेंथ आ गई बेटा एल, और ये आ गई बी हमारे पास। इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना आई जेड, ये आई एक्स बोल सकते हो और ये आई वाई बोल सकते हो, और आई जेड क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर, क्योंकि तुमने टाइम बहुत बर्बाद करना था, मैंने हिंट दे दिया, आई जेड आई एक्स प्लस आई वाई। आप क्या मुझे बता सकते हो कि आई एक्स क्या होगा और आई वाई क्या होगा,
क्यों ऑस्कर क्यों? मैं आपको और चीज बता दूं कि ये रॉड है एक टाइप की, रॉड के ऊपर जैसे रिंग के ऊपर रिंग रखते गए थे ना, रिंग के ऊपर रिंग रखते गए थे तो हॉलो सिलेंडर बन गया था और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही था एम आर स्क्वायर। वैसे रॉड के ऊपर रॉड रखते जाओगे तो क्या बन जाएगा? ये रेक्टेंगुलर लेमिना तैयार हो जाएगा, एल के ऊपर एल, एल के ऊपर एल, के ऊपर एल, है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था रॉड का? 1/12, बोलो भाई, एम एल स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट आएगा आई वाई, आएगा 1/12 एम एल स्क्वायर। और यहां पे भी रॉड पे रॉड, रॉड पे रॉड, इस तरीके से आगे बढ़ाते जाओगे, लेकिन लेंथ कितने? बी। तो इस एक्सिस के अबाउट आई एक्स क्या आएगा? 1/12, बोलो, एम बी स्क्वायर के बराबर। यहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़े बेटा। तो ये आ गया आई एक्स, सॉरी आई वाई, और ये आ गया आई एक्स। और अगर आई एक्स भी आ गया और आई वाई भी आ गया तो आई जेड भी तो आ गया क्या? आई एक्स प्लस आई वाई कितना? 1/12 एम इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा। और कहीं अगर ये स्क्वायर लैमिना हो तो बी एल के बराबर हो जाएगा फॉर स्क्वायर लैमिना। बी और एल बराबर हो जाएंगे और आई जेड आपके पास आ जाएगा 1/12 एम एम इंटू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 एल स्क्वायर 1/6 एम एल स्क्वायर बेटा। हाँ जी, 1/6 एम एल स्क्वायर हो जाएगा। प्लेट है बेटा, है वायर नहीं है, सिर्फ स्केयर लैमिना बोल जब बोलो ना तो एरिया है ये। स्केयर लैमिना जब मैंने बोला तो प्लेट है और प्लेट में मास सारे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, पर मैंने मानी ये लेंथ है इसके एल, एल एल जोड़ता जाऊंगा तो प्लेट बन जाएगी आगे को। तो लेंथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है 1/12 एम एल स्क्वायर होता है एक्स एक्सिस अबाउट, इसका भी पता है 1/12 एम बी स्क्वायर होता है। जैसे रिंग के ऊपर रिंग रखते गए थे और हॉलो सिलेंडर बना था और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहा था, वैसे लेंथ के ऊपर लेंथ रखते जाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 एम एल स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन मास चेंज हो जाएगा। मास तो ज्यादा होगा, रॉड का कम था, उसका मास पूरा का पूरा आएगा आगे तक, ऐसा। ठीक है, बढ़िया जी। अब मुझे ये चीज़ बतानी है आप लोगों ने कि मैं स्केयर के ऊपर स्केयर रखता जाऊं, स्केयर के ऊपर स्केयर रखता जाऊं, और उतना ही एल लेंथ का लेंथ थी, एल ही विड्थ थी, और एल ही मैंने हाइट कर दी तो क्या बन गया? तो क्यू बन गया। तो मुझे बताओगे कि अब क्यू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? इसी एक्सिस के अबाउट। कितना बेटा? कितना? अरे स्केयर के ऊपर स्केयर रखते गए 1/6 एम एल स्केयर के बराबर, जो स्केयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कुछ चीजें हम सिमेट्री से आगे बढ़ाते चलते हैं इस तरीके से। क्या हम आगे चले? सेंटर ऑफ मास किसी का अगर वीक रह गया हो, सबने क्लास लगाई थी सेंटर ऑफ मास की? कोई ऐसा तो नहीं जिसने नहीं लगाई थी? ऑनलाइन लगाई थी, समझ में आ गया? तो अगर किसी को कोई लग रहा हो कि कुछ कंसेप्ट रह गया है, कल ड्रॉपर के साथ क्लास है सुबह 9-10 बजे, लिंक तुम्हें भी भेज दूँगा, तो ऑनलाइन लगा सकते हो। इतना हो गया?
चलो बेटा एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर इस टॉपिक को तुम्हारे लिए असाइनमेंट के लिए छोड़ता हूँ। असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो करने हैं आपको, लेकिन छोटा सा एक और देता हूँ क्वेश्चन करने को। और वो क्वेश्चन ये रहा जी ये बन गया जी हमारे पास सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है। और इसकी लेंथ है बेटा एल। तुमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस एक्सिस के अबाउट। फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर अबाउट द डॉटेड एक्सिस जो मैंने शो किया है। इस सिलेंडर का रेडियस है बेटा आर, हॉलो सिलेंडर है जी। जल्दी से बोलोगे तो बात बनती है बेटा। बोलवे वासवे क्या बोलती है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो खड़ी तो हो जा। हाँ जी वर्मा जी, चलो कोई अपने आप बोलना चाहे वो बोलो, जबरदस्ती कोई फायदा नहीं। टू ठीक है, वैसे सपना है कोई, क्या क्या लॉजिक लगाया है जी। एक तो रॉड बनी जिसकी लेंथ एल है, तो एक तो रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलो, 1/12 ml2। दूसरा क्या बना, दूसरा बना रिंग का डायमीटर। यहां भी तो रिंग बनेगा ना, रिंग का डायमीटर भी तो बना। और रिंग का डायमीटर का क्या था बोलो, हाफ एम आर स्क्वायर। ये आएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। अगर सॉलिड सिलेंडर होगा तो 1/12 ml² + 1/4 mr², क्योंकि फिर डिस्क बनेगी। फिर अंदर सॉलिड सिलेंडर होगा तो क्या बनेगा, रिंग नहीं बनेगा, फिर डिस्क बनेगी। और डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर होता है 1/4 mr². ठीक है जी। तो अब आपके लिए छोड़ता हूँ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन असाइनमेंट के, वो सारे के सारे सबके हो जाना चाहिए। वो बोल रहा हूँ खासकर जो मैं मुँह चक के खड़े हो गए आज, वो तुम ही नहीं थे वैसे, थे तो बहुत सारे, लेकिन सभी को बोल रहा हूँ नेक्स्ट में मैंने और कुछ नहीं करना, यही चेक करना है तुमने क्या किया, ठीक है जी। लेकिन अभी क्लास चली हुई है